नमस्कार, वेलकम एच जी टू फैमिली। प्रभु की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज हम बनाते हैं स्प्रिंग रोल के सीड्स। उसके लिए मैंने एक कप मैदा लिया है और हाफ कप ही मैंने लिया है कॉर्न स्टार्च। तो सबको हम अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक अच्छा सा इसका घोल तैयार करते हैं। एक साथ से हमने इसमें सारा पानी नहीं डालना है क्योंकि इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी इकट्ठा पानी डालने से, इसलिए हम थोड़ा पानी डालेंगे फिर मिक्स कर लेंगे। फिर हम थोड़ा पानी डालेंगे, फिर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पतला सा हमने एक घोल तैयार करना है। आप देख रहे हो ना, ऐसे स्पून के साइड पे लगना चाहिए, ऐसे ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। इसको पहले हम स्ट्रेन कर लेते हैं, छान लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा गुठली है वो निकल जाए इसमें से। इसको अच्छी तरह से छान लेते हैं, इसको करते हैं साइड। अब इसको चेक करते हैं, अगर गाढ़ा लगेगा तो हम इसमें पानी डालेंगे और देख लेते हैं। ऐसे इतनी पतली सीड्स हमारी ऐसे दिखना चाहिए कसी के ऊपर लगा हुआ, तो फिर अच्छी हमारे शीट बनेगी। ये तैयार हो गया। अब हमने एक पैन ले लिया है, उसको थोड़ा सा मैंने ग्रीस कर लिया एक बार, तो उसको गर्म कर लेना पहले गैस के ऊपर, फिर डालेंगे ये वाला मटेरियल। ऐसे करके घुमाना है, अगर एक्स्ट्रा हो तो उसको हमने बाहर निकाल लेना है। ये पतली सी सीड्स एकदम से चिपक जाएगी इसके साथ। तो इसको चलते हैं गैस के ऊपर, इसको सेक लगाते हैं थोड़ा थोड़ा, साइड से ऐसे घुमा के लगाएंगे ताकि इसके जो किनारे हैं वो खुद ही छोड़ दें किनारा, तो हमें निकालने में आसानी हो जाएगी। इसको ज़्यादा सेक नहीं लगाना, जब पक गई इसको निकालते हैं बाहर। ये दिखाती हूँ मैं आपको, मुझे गर्म लग रही है, मैं अच्छी तरह से दिखा नहीं पा रही। ऐसे वैसे सीर से बनाते जाना। एक और दिखाती हूँ, अभी पैन हमारा गर्म है, इसको कुछ नहीं ग्रीस करना बार बार, कुछ नहीं। ऐसे हम गर्म पैन में डालेंगे इसको, जितनी हमें चाहिए होगा वो इतना इसके साथ चिपक जाएगा, बाकी अगर फालतू होगा तो उसको हम बाहर निकाल लेंगे। अगर कम लगेगा तो हम और इसमें डाल सकते हैं। ऐसे घुमाना है, एक ही बार घुमाना है ना, ऐसे बस। अब इसको हम गैस की तरफ चलते हैं, इसको गर्म करते हैं थोड़ा सा, दोबारा सेक लगाते हैं। साइड से किनारों पे ज़्यादा ध्यान देना है, किनारों पे ऐसे घुमा के लगाएंगे ना ऐसे करके, तो हमारी सीड्स जो बड़ी आसानी से निकल जाएगी। ऐसे रखने से नीचे से तो लग जाता है सेक, लेकिन किनारों में थोड़ा सा कम लगता है, इसलिए इसको थोड़ा सा घुमाना पड़ता है ऐसे करके। ये देखो है ना, किनारे छोड़ दिए ना, तो बस इसको निकाल लेते हैं। जी हो गई हमारी दूसरी सीड तैयार। बस ऐसे करके हमने करते जाना सारे सीड्स तैयार। अब थोड़ा सा मैं बनाना भी आगे बताती हूँ, फुल वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि कैसे बनाना है स्प्रिंग रोल, उसका फिलिंग कैसे बनानी है। बस ऐसे करके इसको बंद करना और हमारे जो स्प्रिंग रोल है वो तैयार हो गए। फ्राई करेंगे बस रेडी। तो इसके सीड्स मैंने इस वीडियो में बता दिए, तो फिलिंग वगैरह पूरी जो फुल वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। आप ऐसे इसको ट्राई कर ही सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।